दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आता है उसमें एक ही लैंग्वेज होती है और वो होती है इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश के अलावा आप लोग हिंदी, गुजराती, मराठी जो भी लैंग्वेज में आप टाइपिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, उसी के बारे में आज की वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो पूरा देखना इस वीडियो को बिना स्किप किए। और दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश, आप सभी का स्वागत है टेक्नो न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे सर्च करना है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग मिल जाए तो उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को जी बोर्ड पर क्लिक करना है। अवेलेबल कीबोर्ड्स के नीचे जो जी बोर्ड लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इस वाले पेज में आ जाएंगे, जहां पर आप लोगों को लैंग्वेजेस पे क्लिक करना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आपको क्या करना है कि हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आपको ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करना है। ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन होंगे, जैसे कि आप लोग हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं हिंदी इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको दो तरह के कीबोर्ड मिल जाएंगे, जैसे कि एक दो दोनों को ही दोस्तों मैं क्लिक कर लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है। तो मैंने दोनों को क्लिक कर दिया है और मैं डन पे क्लिक कर देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी इंडिया, हिंदी इंडिया, एबीसी हिंदी और हिंदी डायरेक्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि दो कीबोर्ड आ चुके हैं हमारे पास। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या करना है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली आ जाना है जहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, जो भी लिखना हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो है हमारी इंग्लिश। तो आपके मोबाइल में दोस्तों अगर ऐसा कीबोर्ड होगा तो आप लोगों को दोस्तों कीबोर्ड में इंग्लिश के पास में स्पेस की के पास में जो गोला दिखाई दे आपको उस पर एक बार क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश के बजाय यहाँ पर HTEN आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश में कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि हम हेलो लिखते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर हेलो के अलावा हिंदी में भी हेलो दिखाई देगा। तो आपको चूज़ करना है कि आपको क्या लिखना है हिंदी में, तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और कीबोर्ड हमने टिक किया था, तो हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कीबोर्ड भी आ जाएगा जिसमें हम हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, आप लोगों को ये करना है और आप लोग अपने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। हिंदी के अलावा दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी और भी लैंग्वेज मिल जाएगी, जैसे कि गुजराती, मराठी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेज की भरमार पड़ी हुई है। तो आप लोग दोस्तों उस पर क्लिक करके जो भी लैंग्वेज रखनी है वो रख सकते हैं और यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।